हेलो फ्रेंड, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बाराबंकी के जमुरिया नाला के बारे में बताता हूँ, जो काफ़ी ही मशहूर और शाहजमाव है। आज मैं आपको बताता हूँ, ये एक गांव पड़ता है 3 किलोमीटर बाराबंकी खास जिले से, जिस कबीरपुर, वहीं पर एक जमुरिया नाला बह रही है, जहाँ पर इतना पानी बह चुका है, इतना बह चुका है कि सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं और पानी थमने का नाम नहीं ले रहा है और बारिश भी बहुत तगड़ी हो रही है। आपको मैं दिखाता हूँ, यही जमुरिया नाला है, देख लीजिए। ये गांव की सीन है, ये देख लीजिए, बहुत ही तूफान मचा है आजकल, ये बारिश और इतना ज़्यादा बाढ़ पीड़ितों जैसी यहाँ पर भी हालत हो गई है। हेलो सर, ये मतलब कि इस बाढ़, ये जो जमुरिया नाला बह रही है, इससे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता है सर यहाँ पर? अरे सर, प्रभाव तो नहीं पड़ता है यार, ये यहाँ पर आइए सर, हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे पानी झील झरनों का जाता है और यहाँ पे धान भी भर जाते हैं, इसमें किसानों को भी हानिकारक होती है। ये पानी बहते हुए बाराबंकी के शहर में घुसता है, वहाँ कई लोगों को घरों में पानी, कई लोगों के घर में पानी घुस जाता है, इसलिए उन घर वालों शहर वालों को दिक्कत पहुँचता है। ओके ओके सर। और सर, ये आप ये भी पता, जो ये पानी आता है, ये इधर से कहाँ से आता है, कहीं पर कोई नाला है या कोई बड़ी नदी है? अरे सर, हम ये बता रहे हैं, कुछ गांव का पानी भी आता है, कुछ खेतों का, और कुछ या बड़ी नहर भी है, ये सीधे वहाँ पे गई हुई है, इसी के कारण कुछ नहर से पानी आता है, कुछ खेतों का और कुछ गांव का, इसीलिए यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो तो इससे तकलीफ भी होती होगी ना, जैसे मान लीजिए कि ये बारिश का पानी बह रहा है और बहुत सी बाढ़ आएगी, तो फसलों को कोई कमी तो नहीं होती? अरे सर, फसलों को क्यों नहीं कमी होती, ये देखिए सामने सर कि पानी धान में भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे धान कुछ छोटा है तो उन पेड़ वो जा सकता है, इसलिए किसान को दिक्कत पहुँचती है। सही सर, चलिए ओके सर, ठीक।